हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को प्राथमिक सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। प्राथमिक चिकित्सा, जिसको इंग्लिश वर्ड में फर्स्ट एड कहा जाता है, ये चिकित्सा वो है जैसे रोगी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है तो चिकित्सक डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो तुरंत उपचार दिया जा रहा है जिससे उसके जीवन को बचाया जा सके, उसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, अगर दुर्घटना होने के बाद रोगी की सांस चली जा रही है, उस स्थिति में शुरू के 3 मिनट 180 सेकेंड बहुत ही मायने रखते हैं। अगर उस बीच में अगर उसकी सांस वापस नहीं आ रही है तो रोगी की मृत्यु निश्चित है। अगर दुर्घटना हो रही है तो तुरंत आसपास के वातावरण को साफ कर देना चाहिए, रोगी को शुद्ध हवा मिले, उसके फेफड़े सही से काम करें। अगर सांस उसकी चली गई है तो कृत्रिम सांस देने की व्यवस्था करनी चाहिए, तत्काल प्राथमिक उपचार करना चाहिए। और अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है उस स्थिति में हमको डॉक्टर को तुरंत सूचित करना है, एम्बुलेंस से उसको नज़दीकी अस्पताल पर पहुंचाना है। इसके बाद दूसरी है प्राथमिक सुरक्षा, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेफ्टी। प्राइमरी सेफ्टी को अगर सही माने में अपनाया जाए तो प्राथमिक चिकित्सा की नौबत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राथमिक सुरक्षा वो व्यवस्था है जैसे हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो आसपास के वातावरण को कार्य के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसे हम लेत मशीन पर काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको आने जाने की व्यवस्था, रास्ते में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सही होना चाहिए, हमारे जो उपयोगी टूल हैं वो हमारे पहुँच के अंदर ही होने चाहिए, लाइट की अच्छी व्यवस्था, प्राकृतिक लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कार्य करने के दौरान लाइट चली जा रही है तो हमको मशीन को या अपने शरीर के अंगों को बचाने का समुचित प्रकाश मिले कि कैसे हम उसको देख पाएँ, ये सब प्राथमिक सुरक्षा में आता है। प्राथमिक सुरक्षा को अगर सही माने में अपनाया जाए तो प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित फिटस से या आईटीआई से संबंधित और भी जानकारी दूंगा। मेरे चैनल का नाम बिसेन टेक है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।